सबके घर में थोड़ी ऐसे पिया रहेंगे। हेलो फ्रेंड, धर्मी एंड सीड ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आज सैटरडे है, वीकेंड है एंड सबसे मेन बात कि फी आज हमारे घर पे आया है। सो वीकेंड है एंड पार्टी तो होती है नॉर्मली जब भी फिया घर पे आते हैं तो, लेकिन आज पार्टी में कुछ खास है क्योंकि नॉर्मली हम बाहर पिज्ज़ा खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन फिया के हाथ का पिज्ज़ा खाना इज़ कुछ अलग बात। क्योंकि फिया के हाथ के जो पिज़्ज़ा बनते हैं वो हमें वो टेस्ट बाहर कभी भी खाने नहीं मिलता है एंड इसलिए हमें एवरी टाइम एक्साइटमेंट रहती है कि कभी फिया के हाथ के पिज़्ज़ा खाने मिलेंगे, क्योंकि डो भी जो बनाते हैं फिया वो भी उनके हाथों से बनाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है एंड काफ़ी मिस भी करता है जब भी हमको खाने नहीं मिलता तभी। और ऐसी सब चीज़ें जब मैं घर पे आती हूँ तभी होती है, जैसे पाव, पिज़्ज़ा, ब्रेड, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये सब बनाना फिया के लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए वो तो काफ़ी ईजिली बनाते हैं विदाउट मेजरमेंट, सिर्फ अंदाजे से बनाते हैं और वो भी सबसे मेन बात है कि वो परफेक्ट बनता है, एकदम परफेक्ट बनता है। सो आज वीकेंड है तो गेट टुगेदर है, सो हमारे कजिन्स भी आने वाले हैं एंड टोटल फिया 15 लोग के लिए, 15 पीपल्स के लिए पिज्ज़ा बनाने वाले हैं विथ डो एज वेल। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है एंड लास्ट टाइम हमने जैसे वड़ा पाव का ब्लॉग शेयर किया था ना, सोचा इस बार पिज्ज़ा का ब्लॉग क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि फिया एकदम जीरो से बना रहे फुल पिज्ज़ा डो के साथ। कौन सा पिज्ज़ा बनाने वाले हो फिया आज आप? मिक्स वेजिटेबल विद पनीर। पिज्जा तो सिंपल ही है लेकिन सबको डो वाला पिज्जा ज्यादा पसंद है क्योंकि अक्सर हम बाहर से रेडीमेड बेस लाकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन आज हम डायरेक्ट डो पर ही टॉपिंग करके पिज्जा बनाएंगे तो वो खाने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ, एक्चुअली वो जो डो बना के जो पिज्जा बनाता है ना और बहुत फर्क पड़ता है। फिया भी जब भी डो या कुछ भी ऐसा बनाते हैं, पाव बनाते हैं, तो कभी भी उनको मेजरमेंट देखना ही नहीं पड़ता। अभी उनका ये सब बनाना बाएं हाथ का खेल हो गया है, कुछ देखना ही नहीं पड़ता, प्रैक्टिस हो गई है। ऐसा खेलते खेलते बना लेते हैं फिया और वो भी परफेक्ट बनता है एकदम। पाव मेकिंग का वीडियो तो हमने आपके साथ शेयर किया था और प्रॉपर रेसिपी धर्मीज किचन में देख सकते हो। तो आज हम पिज्जा मेकिंग का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम 15 लोगों के लिए पिज्जा बना रहे हैं तो सोचा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए और इसकी डिटेल रेसिपी आप धर्मीज किचन में देख सकते हो। और पाव पिज्जा जब भी कुछ भी बनाना हो तब इसका डो लगाना मेन है, अगर डो परफेक्ट बनता है तो पिज्ज़ा, पाव, ब्रेड सब अच्छा बनता है और वो हमने पाव वाले वीडियो में भी बताया था कि डो को किस तरह से मसलना है, किस तरह से डो लगाना है और डिटेल रेसिपी तो आप धर्मीज किचन में देख ही सकते हो। डो लगाना थोड़ी मेहनत का काम है। अब इसे 2 से 3 घंटों के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ेगा, जब डो फुल के डबल हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी पिज्जा के लिए सभी वेजिटेबल्स रेडी है, फिया ने कट करके रख दिया है, साथ में पनीर भी है क्योंकि पनीर भी डालने वाले पिज्ज़ा में एंड ये सब टॉपिंग्स है एंड स्पाइसेस है और ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स भी डालने का है। ये अदरक है? नहीं, वो ऑलिव्स के बीज है। अच्छा, ऑलिव्स के सीड्स है। ओके ओके। सॉस और ये है चीज, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पिज्ज़ा चीज। और ये हमने पिज्ज़ा सॉस घर पर बनाया है
और रेसिपी हमने थर्मिस किचन में ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हो। और ये बिना ऑनियन और गार्लिक का है, तो जो जैन है, स्वामीनारायण है, उनके लिए भी इजी रहेगा पिज्जा सॉस घर पर बनाना। और वेजिटेबल्स भी हमने थोड़े से ही कट किए हैं, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम कट करते जाएंगे। तो पहले तो हम ट्रे को ग्रीस कर लेंगे ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही स्प्रेड करेंगे ताकि पिज़्ज़ा नीचे से क्रिस्पी बने। और आज हमारा पिज़्ज़ा स्क्वायर बनने वाला है जंबो साइज में। और हमारा डो भी देख लेते हैं कि किस तरह से फर्मेंट हुआ है। वाह, डबल से भी ज्यादा, 3 गुना 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया है, यस। मतलब ये कितना था जब भी फर्मेंट करने के रखा था, आधे का आधा था, ये पूरा भर गया है। ये पूरा डाइनिंग टेबल भी पिज्जा स्टॉल लग रहा है। डो इस तरह से फर्मेंट होना चाहिए तभी पिज्जा अच्छा बनेगा, सॉफ्ट और स्पंजी। आज हम मिलकर बहुत ही अच्छा और यम्मी और बढ़िया सा पिज्जा बनाने वाले हैं। पर सब कुछ फई ने किया है, खाली पिज्जा सॉस मेरी मम्मी ने बनाया है, बाकी डो लगाना और सब कुछ फई ने किया। तो आपने क्या किया मिलकर उसमें क्या? मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन किया है। मैं सिर्फ हेल्प करने वाली हूँ, टॉपिंग करना और बेकिंग के लिए रखना, निकालना, वो सब, और सबको सर्व करना। सबको सर्व करना। तो आपके कपड़े पूरे आटे वाले हो गए हैं। सब पिज़्ज़ा वाले हो जाएंगे। पिज़्ज़ा बेस रेडी है। हम पहले सॉस स्प्रेड करेंगे। ये वाला पिज़्ज़ा मैं पहली बार बनते देख रहा हूँ। मतलब ऐसे डो पे डायरेक्ट पिज़्ज़ा। ये गाजर है? नहीं, इसे कैप्सिकम, रेड बेल पेपर्स। अच्छा, कैप्सिकम, टमाटो और स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पनीर। ओके, एंड ब्रोकली, तीनों कलर के कैप्सिकम है। और ये है डाइस्ड चीज। डाइस्ड चीज का मजा अलग है। पर थोड़ा सा हम प्रोसेस चीज भी ऐड करेंगे। ये हमने डाइस चीज डाला, फिर भी ये वाला चीज क्यों डाला है? इससे पिज्जा थोड़ा सा क्रीमी बनेगा। सिर्फ मोजरेला चीज ऐड करेंगे तो ठंडा होने के बाद वो चीवी हो जाता है, तो खाने में इतना मजा नहीं आता। अच्छा, और ये आ गए हमारे कजिन एक्सप्लोरर। कैसा लग रहा है आपको हमारे ब्लॉग में आके वापस? लास्ट टाइम जैसे वड़ा पाव वाले ब्लॉग में आप आए थे, इस बार काफी टेस्टी फीलिंग आ रही है देखकर ही। टेस्टी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है खा जाओ अभी। तो ये पनीर के ऊपर भी चीज़ डाल दें, क्योंकि जब ये चीज़ मेल्ट होगा तो थोड़ा ब्राउन टाइप हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, देखने में तो अच्छा लगेगा, टेस्ट में तो ऑब्वियस अच्छा लगेगा ही। हेलो मीरा बहन, हाय। खाने वाले सब आ गए हैं, तो अभी ये सब भूख लगी है। अभी अभी ये सब इतना यम्मी यम्मी देख के, पिज्जा बनने के पहले ही मुंह में पानी आ रहा है। आज फिया पिज्जा बनाने वाले थे, सब लोग का बहुत एक्साइटमेंट था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आ गए सब लोग। अभी ये देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खा लूँ अभी
अभी क्या अभी अभी से 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा इसे फर्मेंट होने देंगे और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। अच्छा मतलब उसका डो थोड़ा फूल जाएगा वापस। हाँ, तो थोड़ा सा और फ्लफी बनेगा पिज्जा। चलो तब तक नेक्स्ट पिज्जा बना दो। चलो 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 चलो, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा चीज डालेंगे और उसके बाद हम वेजिटेबल का टॉपिंग करेंगे और उसके ऊपर भी चीज डालेंगे, थोड़ा चीज़ी लगेगा पिज्जा हमारा। लास्ट में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल क्यों डालते हैं? इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो हमारा ओवन यहाँ पर प्रीहीट हो गया है, तो अब हम पिज्जा को बेक करेंगे 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अभी फिया चेक कर रहा है कि पिज्जा बराबर हो गया है कि नहीं। हो गया बिल्कुल, नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है। क्या स्मेल आ रहा है, पूरे हॉल में पिज्जा का स्मेल ऐसा हेयर फ्रेशनर की तरह फैल गया है। ये हमारा सेकंड पिज्जा स्क्वायर में है, जैसी ट्रे होगी वैसा पिज्जा बनेगा। हाँ, वो शेप का पिज्जा बनेगा। और ये हमारा पिज्जा रेडी है। 3, 2, 1। तो जानकी कैसा है पिज्जा? अमेजिंग, एक नंबर है। आई मीन तुम कितना भी खाओ दिल नहीं भरेगा, दिल भरता नहीं। सब खाने में बिजी हो गए हैं। बहुत ही मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, बहुत सही है। काफी गर्म है, बट टेस्टी भी बहुत है। फिर बहुत ही मस्त बना, बहुत ही टेस्टी है। गाइस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस पिज़्ज़ा एट योर होम, इट्स अमेजिंग। बट सबके घर पे थोड़ी ऐसे फिया रह गए। सबको धर्मिस किचन में रेसिपी देखनी। हाँ, सबको धर्मिस किचन में रेसिपी लेकिन जरूर देखनी मिलेगी।